और उत्तरकाशी में पहली बार निम्न द्वारा एनसीसी कैडेट्स का 24 सदस्यीय माउंट थिलू चोटी आहरण 18 दिसंबर को होगा, जिसमें 24 सदस्यों को चयन एनसीसी के 17 निदेशालयों में 50 कैडेट्स में किया गया है, जिसका नेतृत्व लीडर सेना मेडल कर्नल अमित बिष्ट कर रहे हैं, जिसमें 12 लड़कियों और 12 लड़कों का चयन किया गया है। आपको बता दें कि एनसीसी कैडेट्स का 24 सदस्यीय दल 3 सितंबर को माउंट थेलू चोटी के लिए रवाना होगा। दल में सम्मिलित होने के लिए एनसीसी के 17 निदेशालयों से 50 कैडेट्स DGNCC कैंपस में एकत्रित हुए थे, जिनकी छटनी के लिए विभिन्न प्रकार की 4 दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। मैं कॉर्पोरल श्रेया शर्मा जम्मू कश्मीर और लद्दाख डायरेक्टरेट से हूँ। यहाँ पे हमें को मेरी डायरेक्टरेट से सेलेक्ट किया गया था, मैंने BMC किया है। अब मैं यहाँ पे एक्सपीडिशन के लिए आई हूँ। उत्तराखंड में NCC लाइक बच्चों में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, करेज है, लाइक बच्चे किसी भी फील्ड में जाने के लिए अपने आप को पर्टिकुलर बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं। उनके सामने सर मयंकल है और मैं 29 न्यूक्लियर बटालियन NCC से हूँ। जैसे कि उत्तराखंड में आपदाओं का दौर लगा रहता है, तो NCC हमें बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स कराती है, जैसे कि स्टेट डिजास्टर एंड मैनेजमेंट प्रिपेयरनेस कोर्स, जिसमें मैं क्वालिफाइड हूँ। मैं स्ट्रेचर बना सकता हूँ, मैं फर्स्ट एड दे सकता हूँ। मैं इस कोर्स में वेल क्वालिफाइड हूँ कि मैं किसी भी आपदा में इस सिचुएशन से, मतलब जितने भी विक्टिम जा रहा है। ये NCC का काफ़ी समय के बाद एक्सपीडिशन हो रहा है, बिकॉज कोरोना की वजह से काफ़ी 3-4 साल एक्सपीडिशन नहीं गए। तो एक हमारा एक NCC का 2025 में एक एवरेज एक्सपीडिशन है, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। तो उसी सीरीज़ में हमने इससे पहले एक उत्तरा ये मनाली में हिमाचल प्रदेश में माउंट यूनम पीक को फतह किया, और उसी सीरीज़ में सेकंड पीक का भी माउंट थिलू चढ़ने जा रहे हैं। ये जो बच्चे हैं सब कोर्स क्वालिफाइड हैं, इनको हमने यहाँ पे अभी एक हफ्ते का एक रिफ्रेशर कोर्स कराया है इन्होंने, ताकि इनकी जो स्किल्स हैं वो रिफ़्रेश हो जाएँ